बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शरीफ में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों, बिटकॉइन के वाले से बात करेंगे और साथ ही अल्टकॉइन के वाले से बात करेंगे। वीडियो को फौरन लाइक करें, लाइक अगर आपने नहीं किया तो पहले भाई ज्यादा करें, वीडियो को ना कोशिश क्या करें एंड तक देखा करें। जब नोटिफिकेशन आता है ना कि ये जो भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं कुछ इनसे सिंसेयर नहीं है, कम्प्लीट वीडियो नहीं वॉच करते और साथ ही लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, यकीन जानने उस टाइम ना दिल वो जो है ना वो तमाशा बन जाता है। इसलिए तमाशा ना बनाए। अभी बोल रन स्टार्ट हो रहा है तो आपका लोगों का पटाखा फुस है। मैं इधर अपने जितने जोश से बना रहा हूँ उस लिहाज से प्यारे भाइयों आप यकीन जान ले कोई भी जो है ना वो समझो रिस्पांस नहीं दे रहे। तो कोशिश करें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट्स भी करें, ठीक है। आ जाते हैं प्यारे भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह बोला था कि 50,000 पर थी, ठीक है, कि आने वाले जो 1 से 2 मंथ हैं उनमें कम से कम 30 से 40-50% मार्केट बढ़ने के चांस हैं। और इंशाल्लाह अल्टकॉइन में ऐसी आप टल्ली देखेंगे, रैली देखेंगे कि आप लोगों का धुआं निकाल देगी, ठीक है, धुआं समझते हैं ना, धुआं निकाल देगी, इस धूम में भी धुआं आप लोगों का निकाल देगी। साथ प्यारे भाइयों ये डॉल्फिन पार्क देख लें, आप भी इधर आएँ और कोशिश करें विज़िट करें, इंजॉय करें, ये अबू धाबी समझो सिटी है। अच्छा, अब आपने देखा है, ठीक है, इस वीक के अंदर अंदर तकरीबन काफ़ी सारे कोइन अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पर जो मैंने मीम कोइन बताए थे, पेपे, फ्लोकी, शिबा ने भी थोड़ी सी टल्ली दिखाई है, डोजी जो नए वाली टल्ली है DRC20 वाला डोज, DOG डोज, उसने भी 10-20% छक्का मारा, ठीक है। पेपे ने तो हद ही कर दी, ठीक है, डबल ट्रिपल के करीब जो प्यारे भाइयों उसने अच्छा प्रॉफिट दे दिया। अगर भी आप खुश नहीं हैं तो फिर मैं लोरियाँ भी आप लोगों को दूँ ना तो फिर प्यारे भाइयों आप खुश नहीं रह सकते, ठीक है। अब प्यारे भाइयों देखें ना, SP 500 जो है, ठीक है, वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। कब का जो उसका पहला ऑल टाइम है उसने ब्रेक करके छक्का मार दिया, लेकिन बिटकॉइन अल्टकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं है। तो बिटकॉइन फॉलो करता है इसको, SP 500 को, तो ये कब करेगा, ठीक है, सूनर और लेटर, मैं इतना ही आपको बता दूँ। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको ये भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा, किसका, बिटकॉइन का ख़ास तौर पर। साथ आप एथेरियम का भी देखेंगे और नीचे वाले भी काफ़ी सारे कोइन अभी जिन्होंने छक्के नहीं मारे उनका भी प्यारे भाइयों आप देखेंगे। अब इसके बाद प्यारे भाइयों अगर देखा जाए ना, ठीक है, तो SP 500 अपनी बुलंदतरीन सतह पे है, यानी चोटी पे, पीक पे है, लेकिन बिटकॉइन बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह आपको फॉलो करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप देखें ना प्यारे भाइयों, ठीक है, तो जब से ये ETF अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है, तो आपने देखा है ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, वैनक, ये जितने भी है, ठीक है, इन्होंने जो बाइंग करनी थी ना OTC के जरिए से, ठीक है, वो लगातार करते करते वो समझो कि एंड पे पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी सी जो कोने में होती है ना बची कुची, वो सप्लाई OTC के जरिए से रह गई, यानी बैर से ये एक्सचेंज पर इन्होंने अभी टक नहीं लगाया, अभी बाइंग स्टार्ट नहीं की, ठीक है। अब क्या है प्यारे भाइयों के कोने में थोड़े से रह गए, ठीक है, आप आधा मिलियन कह लें, एक मिलियन कह लें। अब जो ये बाइंग कर रहे हैं ये प्रीमियम बाइंग कर रहे हैं, प्रीमियम मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि बाकी जो रेट चल रहा होता है 50,000, तो वहाँ से इनको प्रीमियम में ना 51,000 के राउंड बाउंड मिलता है। दूसरे नंबर पर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, यानी इंस्टीट्यूशनल का मैंने आपको बोला भी था कि 100 बिटकॉइन से ऊपर जितने भी होते हैं ना वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। इसके बाद नीचे जो दूसरे अपने डेली बेस पे जो बाइंग करते हैं, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर, उनका अगर आप देखें प्यारे भाइयों तो उन्होंने भी दो दिन, कल मैंने अपने ट्विटर पे बोला था कि इन्होंने भी आप देखो स्टार्ट कर दिए, 800 तकरीबन उन्होंने सेल किए थे, टोटल 1400-1500 जो बिटकॉइन उन्होंने बाइंग की थी, ठीक है, बाइंग सेलिंग की थी उसमें से, यानी कि बाइंग ज़्यादा इन्होंने की है, सेलिंग कम की है रिटेल इन्वेस्टर ने। इससे पता चलता है कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी कूद पड़े हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बाय करते हैं, एक्सचेंज का सहारा लेते हैं, वो OTC के जरिए से प्रीमियम बाय नहीं करते। जब एक्सचेंज पर एक बिटकॉइन बाय किया जाए तो 20 जो बिटकॉइन उनका वॉल्यूम आता है, आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। यानी कि जैसे ही ये जितने भी वैनिक है, फिडेलिटी है, ठीक है, ब्लैक रॉक है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये जिस वक्त प्यारे भाइयों बाइंग स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज से, तो फिर एक बिटकॉइन वो बाय करेंगे ना तो 20 बिटकॉइन बाइंग का वॉल्यूम आएगा मार्केट पे, यानी एक्सचेंज पे।
अब वो कब करेंगे? सूनर और लेटर। ऐसा छक्का लगेगा कि यकदम ही 10-20% जिस तरह अभी आपने दो दिन पहले देखा ना, ठीक है, मैंने क्या बोला था 55,000 पर जाएगी, और ओवरऑल तो मैंने देखा आपको बताया था कि इंशाल्लाह जो आने वाले 102 मंथ है ना, ठीक, 102 या 102 मंथ है, उनमें तकरीबन 30-40-50-60% तक भी छक्का मारेगी मार्केट, ठीक है। अब जैसे ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इनकी डेली भी आप देखे पेरे भैया जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उसकी बाइंग भी जो है वो काफ़ी सारी हो चुकी है, ठीक है। अभी जो उसका टोटल बर्थ था वो $11 बिलियन के राउंड बोर्ड चला गया, उसने 3,000 दो चार दिन पहले बाइंग की थी। मैंने उस टाइम बोला भी था छोटी सी डंपी बड़ा पंप का आप इंतज़ार करें, और वही बात बनी, 2-4 घंटे के बाद ऐसा फुर करके मार्केट गई डायरेक्ट प्यारे भाइयों 53,000, 54,000, 55,000, 56,000, even 57,000 के राउंड बोर्ड है। अब यहाँ पर आप देखें फियर एंड ग्रीड वाली सुई वो भी फुल फ्लैज पे है। यहाँ पे अगर आपने मिड टर्म में किसी कोइन से आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है ना, हाँ थोड़ा बहुत है कुछ 150 तो फिर सब्र करें, अच्छा मिल रहा है यानी डबल के करीब, तो मैं समझता हूँ कि 50% लादमी बोका ले, हो सकता है कल कोई आपको एक छोटी सी डंपी भी देखने को मिले और वही फिर आपको प्यारे भाइयों एक लॉस में चली जाए। हाँ लंबे टाइम के लिए तो उसको बिल्कुल छेड़े लाने की कोशिश ना करें। क्रिप्टो मार्केट में जो एज ए इन्वेस्टर आता है ना वही प्यारे भाइयों पैसा बनाता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें चक्कर चलाने की कोशिश करता है वो समझो कि जिस तरह कहते हैं मरने से पहले वो कब्र में उतर जाता है। आगे आप सारी चीज़ें उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब वेल जो है वो प्यारे भाइयों उन्होंने जो छक्का मारा है, ठीक है, आपको पता है कि इन दिनों के अंदर अंदर 1,000 बिटकॉइन से लेकर जो 10,000 बिटकॉइन वाले वैलेट नए क्रिएट हुए ना, यानी तकरीबन समझो कि उन्होंने $1 मिलियन की जो बाइंग बनाई है, मैं वो हैरान हो गया हूँ। पिछले दिनों में मैं आपको बोला था, पिछले दिनों में डेली के एक वैलेट था, उस टाइम अभी ETF अप्रूव नहीं होता दिल्ली का वो, ठीक है, अपना अल्लाह भला करे 500, 550, 500, 600 दिल्ली के वो पूरा एक मंथ से ज़्यादा 45 दिन वो बाई करता रहा था। एक जो वेल्स उसको कह ले, हो सकता वो ब्लैक रोग हो सकता वो फिडिल्टी हो, कोई ना कोई वो बड़ी जो मच्छी होती ना वो थी। अब इससे क्या पता चलता है प्यारे भाइयों कि बिटकॉइन रुकने वाला नहीं है। बिटकॉइन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी जो डंपी देता है वो आप लोगों को एज ए अपॉर्चुनिटी देता है। हो सकता है कल को, मैं फिर बोलता हूँ, मैं इसमें कोई लंबा छक्का नहीं मारूंगा, क्योंकि ये पंप एंड डंप का गेम है, समझो कि ये बायर एंड सेलर की दोनों की जंग है, ठीक है, व्हेल्स की और आप लोगों की जंग है। बाकी आप फ्यूचर से प्रेज करें, खुदा रा फ्यूचर से जितना आप प्रेज करेंगे इतना ही इंशाल्लाह आप जो है वो प्रॉफिट भी बनाएंगे। ये देखें भाई काम वगैरह के लिए भी जाते हैं, काम इधर भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बहुत बड़ी पार्क है, डॉल्फिन पार्क इसको बोलते हैं, एक वीडियो उधर बनाइए किधर बनाइए, थोड़ा सा लोग इसको अच्छा समझते हैं, सच्ची बात है इसलिए। तो लिहाजा प्यारे भाइयों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में वो कुछ चल रहा है जो आने वाले टाइम में आप लोगों का धुआं निकाल देगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, सर से पहुँच लेकर सर तक आप लोगों का धुआं निकाल देगा। इतना कुछ आप लोगों को छक्के लगेंगे इस आल्ट कॉइन में। काफ़ी भाइयों ने पूछा कि फलां कोइन नहीं बढ़ रहा, फलां कोइन नहीं बढ़ रहा, बिटकॉइन इतना ऊपर चला गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, डोंट वरी। अगर आपका कोइन नहीं बढ़ रहा तो थोड़ा सा मजीद सब्र करें। होल्ड इज़ गोल्ड के ऊपर अगर आपका फोकस है तो क्रिप्टो मार्केट से कोई बंदा आपको हरा नहीं सकता। अगर आप छक्का मारने के लिए आए हैं ना कि हर बाल पर छक्का मारूँ, तो फिर आप क्रिप्टो मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, ये मेरी बात याद रखिएगा। कई दफ़ा सिंगल भी लेना पड़ता है, कई दफ़ा डबल भी लेना पड़ता है, ठीक है, हर बाल पे छक्का क्रिप्टो में नहीं चलता। ज़्यादा क्रिप्टो में खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, मैंने कल भी एक स्क्रीन शॉट सेंड किया, ये तो एक था दिल्ली के, पता नहीं कितने हैं वो, उनको मैं क्या बोलूँ, बस उनके लिए मैं दुआ मगफरत कर सकता हूँ, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे मरने के बाद, ठीक है। तो यकीन जाने दिल्ली के एक दो बंदे, तीन बंदे, कोई कहता है मैंने $5,000 लॉस का लिया, कोई कहता है $10,000 का लॉस का लिया, दिल्ली का $2,000-4,000 के ना वो इस तरह भगौड़े आते हैं। तो खुदारा अगर आपके पास, मैं समझता हूँ कि आज आपके पास $200-400-500 भी है ना, ठीक है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्रिप्टो से अच्छा पैसा बनाने से नहीं रोक सकती। तो मैं छक्का नहीं मारूंगा पैर जोड़ के, ठीक है, कि लंबा लंबा कि इतना जाएगा तो उतना जाएगा, लेकिन अच्छा पैसा बनाने से दुनिया की कोई ताकत भी प्यारे भाइयों आपको इंशाल्लाह ना रोक नहीं सकेगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, फ्यूचर से आपने परहेज, जो आपके पास $200-400 है वो कोई भी कोइन अच्छा अच्छी टेक्नोलॉजी वाला फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से गेमिंग वाला हो जाए, AI वाली हो, AI वाला हो जाए, मेटावर्स वाला हो जाए, पकड़ें,
चुप करके ऊपर ढक्कन दे, कुन्नी में डाल के ढक्कन दे के ना एक डेढ़ साल के लिए भूल जाए, फिर देखिएगा कि वो आपको कितना प्रॉफिट, आपका दिल होगा कि मैं $200-400 है डालूंगा तो प्यारे भाइयों फ्यूचर में डालूंगा तो शाम को मैं डबल करूंगा, आपकी वो चीख है निकाल देगा, आपकी मी निकाल देगा, ठीक है, आपका वो उल्टा धुआं निकालेगा, एक तो पॉजिटिव धुआं होता है, एक उल्टा धुआं, समझता उल्टा धुआं, हाँ उल्टा धुआं। तो लिहाजा कोशिश करें, इस क्रिप्टो मार्केट में हर मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ कि दो ही बंदे कामयाब हैं, दो तीन जिन्होंने सीखा हुआ, होल्डिंग पावर है, सब्र तहम्मुल है, वालदैन जैसी अजीम हस्ती की दुआएँ हैं, और इसके बाद कंसिस्टेंसी है, ठीक है, मुश्किल मजाजी है, लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं, फ्यूचर में पंगा नहीं लेते तो वो क्रिप्टो से आप पैसा बना लेते हैं, और क्रिप्टो में एज ए टूरिस्ट आए हैं, ठीक है, तो फिर प्यारे भाइयों दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा यहाँ से नहीं बनाने देगी, अगर आप इसमें एज ए इन्वेस्टर आए हैं लंबे टाइम के लिए आए हैं तो प्यारे भाइयों क्रिप्टो मार्केट से पैसा ही पैसा आप बनाएंगे इंशाल्लाह। साथ ही आप कोशिश करें जितना आप अपने लीडर से प्यार करते हैं इससे ज़्यादा आपने अपने वालदैन से प्यार करना, बस बात इतनी सी है, वालदैन से दुआएँ लें, लीडर से उतना ही प्यार करें जितने वो हैं, ये आपस में ऐसे लंती हैं, रात को यकीन जाना है आप बड़े जो होटल हैं इस्लामाबाद वहाँ पे जाएं तो ये सारे सारे इकट्ठे होते हैं, हमें इन्होंने जनाब वो कुत्तों के साथ लड़ाया हुआ, ज़्यादा उनके पीछे जो आपने अपना सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करना है क्रिप्टो मार्केट को दें, सीखने के ऊपर दें, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप इतना कुछ बना लेंगे आपकी मेरी सोच से बिबला। हाँ जिनको डर लगता है, हाँ यार मैं तो डरता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे हैं मैं नहीं लगा सकता, ये है वो, वो मेरे साथ पर्सनली तौर पर रब्ता करें, मैं उनको ऐसे स्ट्रेटजी बताऊँगा इंशाल्लाह उनका डर खत्म हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, कुछ चीज़ पल्ले पड़ी है या अभी तक भी आप देख रहे हैं सोच रहे हैं, ठीक है, वो वाला वक्त था जब 15,000 पर थी, ठीक है, काश मैं बाय कर लेता, काश मैं 30,000 पर बाय कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं रेंडर में 30 सेंट पर बाय कर लेता, काश मैं $2 पर बाय कर लेता, आज $8, काश मारिया मैं जो है ना वो आज से 2-3 महीने पहले जब 1 पर था मैं बाय कर लेता, आओ दोबारा 13 पे चला गया, ये काश प्यारे भाइयों आपको बदी भी एक जो है वो एक जगह पे नहीं टिपने देगा, काश वाला जो लफ्ज़ है बजाय इसके कल को आपको सोचना पड़ जाए, पछताना पड़ जाए, परेशान होना पड़ जाए, आज आपके पास टाइम है।